मंगलवार को प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में ज्योति और आलोक के बीच तलाक मामले की सुनवाई हुई। आलोक मौर्या अपनी पत्नी ज्योति मौर्या से तलाक नहीं लेना चाहते हैं। वो बेटियों के भविष्य के लिए पत्नी के साथ ही रहना चाहते हैं। आलोक ने कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र में यह विनती की है। उन्होंने ये भी कहा कि पत्नी के साथ जो कुछ भी विवाद है उसे खत्म करना चाहते हैं, जबकि ज्योति मौर्या अदालत नहीं पहुंची। ज्योति के वकील की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई कि छुट्टी न मिलने की वजह से उपस्थित न हो सकी। कोर्ट ने ज्योति के नहीं आने के कारण सुनवाई टाल दी। अगली तारीख 18 अगस्त तय की है। बरेली में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्या के साथ मिलकर साजिश रचने के मामले में जिला कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे के खिलाफ जांच पूरी हो गई है। प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को जांच सौंपी गई थी। जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट डीजी होमगार्ड्स को सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार मनीष दुबे जांच में दोषी पाए गए हैं और उन पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। ये जांच आलोक मौर्या की शिकायत पर कराई गई है। आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी पीसीएस अधिकारी है। साल 2020 से जिला कमांडेंट मनीष दुबे के संपर्क में है। अब दोनों मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। आलोक ने अपने शिकायती पत्र के साथ मोबाइल फोन और व्हाट्सएप पर की गई चैट भी सार्वजनिक की थी। और अगली जगह 18 लगी हुई है, सबसे हम लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से आपकी पत्नी ने आप पर आरोप लगाया है दहेज पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया, उस मामले में भी आपके बयान हो गए हैं, क्या कहना है आपका? सर, जैसे मेरा एक बयान अभी डीजी साहब ने जो कमेटी गठित की थी वहाँ पे हुआ, उसकी सच्चाई खुलने जा रही है। उसी प्रकार ये भी फर्जी मुकदमा है, ये भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुल के आ सकते हैं। सारे मुकदमे उनके फर्जी हैं, जबरदस्ती लगाए। अच्छा, आपने अपनी पत्नी पर जो आरोप लगाए थे कि वो अवैध ढंग से जो है वो कमाई भी करती है, क्या है? अभी अभी हम कोर्ट से बोले, कोर्ट के बाद आप जो है समझौते के लिए भी तैयार है? सर, समझौते के लिए मैं बच्चों के लिए समझौते के लिए तैयार हूं। आपने कहा था कि अगर आपकी पत्नी वापस आ जाती सब भूल जाएंगे। गौरतलब है कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की 2010 में शादी हुई थी। 2009 में आलोक का चयन पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में हुआ था। इसके बाद उन्होंने ज्योति को पढ़ाया लिखाया। 2015 में ज्योति का चयन एसडीएम के पद पर हो गया। 2015 में जुड़वां बच्चियां हुई। 2020 तक सब कुछ ठीक ठाक चला। इसके बाद 2020 में ज्योति का परिचय जिला कमांडेंट होमगार्ड के पद पर गाजियाबाद में तैनात मनीष दुबे से हो गया। दोनों में बातचीत होने लगी। आलोक ने बताया कि हमें लगा कि चलो अधिकारी है, बातचीत तो करनी ही पड़ती होगी। पर एक बार घर के मोबाइल में अपना फेसबुक लॉग इन करके ज्योति भूल गई। दोनों के बीच चैट हुई थी। इसे देखकर मेरा माथा ठनका। विरोध किया तो लड़ने झगड़ने और जेल भेजने की धमकी देने लगी। 22 दिसंबर 2022 को आलोक ने दोनों को होटल मैरियट लखनऊ में रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर सफाई देने लायक कुछ नहीं रहा। विरोध किया तो दोनों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हम जान बचाकर भागे। एक सप्ताह पहले मुझे फोन करके कहा कि स्वेच्छा से तलाक दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे। आलोक ने कहा कि उसके खिलाफ धूमनगंज थाने में फर्जी दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। 376 लगवाने की धमकी देती है। आलोक का कहना है कि जब उन्होंने धूमनगंज थाने में मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराने को आवेदन किया तो एसओ ने मना कर दिया। कहा वे अधिकारी हैं, इसलिए हमने दर्ज कर लिया। ज्योति मौर्या का कहना है कि हम 12 साल पति पत्नी के रिश्ते में रहे हैं। हमारा उन्होंने व्हाट्सएप हैक कर लिया था, उसमें बहुत सी गोपनीय विभागीय जानकारियां भी हैं। अगर आलोक के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो वो मेरे खिलाफ जाने क्या क्या आरोप लगाएंगे। इसीलिए हमने आईटी एक्ट के तहत धूमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। आज जो है हम लोगों ने उनके सर ये बताया कि आज इनके मामले में क्या कुछ हुआ है कोर्ट में? आज कुछ भी नहीं हुआ है। आज हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डाला है कि वाद की कॉपी ये हमें प्रोवाइड कराएं और उसके बाद हम लोग जवाब लगाएंगे, जिसमें कोर्ट ने हमको 18 अगस्त का टाइम दिया है। इसके बीच में हमको वाद की कॉपी मिल जाएगी, उसके बाद हम लोग जवाब लगाएंगे। क्या है आप लोग, क्या दलील है इस मामले में? नहीं, दलील क्या है, वो पिटीशन उन्होंने फाइल किया है, जब वो हमको कॉपी मिलेगी तब तो हम जवाब लगाएंगे ना। वाद तो उनका है, तो आप पहले पढ़ें तो क्या उन्होंने दाखिल किया है, तो उसके बाद जवाब लगाया जाएगा। उनकी तरफ से अभी तो कोई आया नहीं था, या उनके वकील आके डेट लिख गए। इसकी भी जानकारी नहीं, वो तो कोर्ट में जानकारी होगी। हम लोग अपना पक्ष रखना था, हम लोगों ने एप्लीकेशन डाल दिया, हमको डेट मिल गई है। डेट मिली है 18 अगस्त को।